तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्पिंग एंड ट्रेडर्स में तो गैज डेल्टा कॉर्प लिमिटेड क्वार्टर टू दो हज़ार इक्कीस बाईस का रिजल्ट आ गया तो चलिए रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं और आपने अभी तक तो इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आप स्टॉक मार्केट रिजल्ट और ट्रेडिंग से रिलेटेड सारी जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सकें तो चलिए बिना देरी करें सीधा रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं तो गाइज़ जो रिजल्ट है वो लैक्स में दिया गया है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंपनी की इनकम की तो कंपनी की जो टोटल इनकम है जैसे कि आप देख सकते हैं पहला पहले कॉलम में हमें दिखता है इस क्वार्टर का रिजल्ट सेकंड कॉलम में हम देख सकते हैं लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट और थर्ड कॉलम में हम देख सकते हैं लास्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट तो अगर हम सबसे पहले बात करें कंपनी की टोटल इनकम की तो कंपनी को इस क्वार्टर में एटी टू पॉइंट फाइव टू लैक्स की इनकम जनरेट हुई है जो कि लास्ट क्वार्टर में थी एटी टू पॉइंट सेवन टू और लास्ट ईयर थी फोर्टी सिक्स पॉइंट फोर सेवन हम ,00 ,00 ,00, ,00 ,00, ,00 ,00, अगर हम बात करते हैं कंपनी के एक्सपेंस की कंपनी तो का जो टोटल एक्सपेंस है इस क्वार्टर में वो है वन जीरो एट लैक्स का जो कि लास्ट क्वार्टर में था हंड्रेड एंड सेवनटीन लैक्स और लास्ट ईयर था नाइनटी एट पॉइंट फिफ्टी लैक्स अगर हम बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स एंड लॉस की बिफोर पेइंग द टैक्स तो कंपनी को इस क्वार्टर में ट्वेंटी फाइव पॉइंट एट फाइव लैक्स का लॉस हुआ है जो कि लास्ट क्वार्टर में था थर्टी फाइव लैक्स का और लास्ट ईयर था सिक्सटी फोर लैक्स का तो जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी के कंपनी को लॉस हुआ है पर अगर हम लास्ट ईयर और लास्ट क्वार्टर के मुकाबले कंपेयर करते हैं तो कंपनी के जो लॉस है उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है अगर हम कंपनी के टोटल प्रॉफिट्स एंड लॉस आफ्टर पेइंग द टैक्स की बात करते हैं तो कंपनी 22 का 22.57 लाख का लॉस हुआ है लास्ट क्वार्टर में होता है ट्वेंटी एट का और लास्ट ईयर हुआ था 54.91 लाख का अगर हम बात करते हैं तो तो कंपनी की टोटल कॉम्प्रीहेंसिव इनकम की कंपनी की जो टोटल कॉम्प्रीहेंसिव इनकम है वो है थ्री पॉइंट सेवन थ्री लैक्स का लॉस जो कि लास्ट क्वार्टर में था इलेवन पॉइंट टू सिक्स लैक्स का लॉस और लास्ट ईयर था सिक्सटी पॉइंट थ्री लैक्स का लॉस तो जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी की जो टोटल कॉम्प्रीहेंसिव इनकम है वो इस क्वार्टर में काफी सही आई है पिछले क्वार्टर और लास्ट ईयर के मुकाबले अगर हम अर्निंग्स पर शेयर की बात करते हैं तो कंपनी के जो अर्निंग्स पर शेयर है वो भी इस क्वार्टर में गिरे हैं जीरो पॉइंट एट फाइव रुपीज क्वार्टर में गिरे थे वन रुपीज़ और लास्ट ईयर थे माइनस टू पॉइंट जीरो फाइव रुपीज़ जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी का रिजल्ट इस क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर और लास्ट ईयर के मुकाबले काफ़ी अच्छा आया है तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नहीं आए हैं और आपने अभी तक तो इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आप स्टॉक मार्केट और रिजल्ट से रिलेटेड सारी जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सकें